आईडी सही करो भाई जी। जो हालात उत्तर प्रदेश में है, अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। महंगाई तो पहले से ही चरम सीमा पर थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहले ही थी, और जिस उम्मीद से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया, आज जब जनता आकलन करती है तो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ सरकार से मिल रहा है। तहसील से लेकर के थाना और थाने से लेकर के ऊपर के अधिकारी, कहीं सुनवाई नहीं है। और जब सुनवाई नहीं है और अधिकारी निर्णय नहीं ले रहे हैं, सरकार का अगर दबाव है तो किसी भी आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा। जब अधिकारी मनमानी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम करेंगे तो कभी भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिल सकता। और उसका जीता जागता उदाहरण देवरिया का है, जहां पर ऐसी घटना घटी है, 6 लोगों की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उस घटना के लिए तो वो सरकार स्वयं दोषी है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार राजनीति कर रही है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अन्याय इतना नहीं करना चाहिए कि लोग सहन न कर सके और लोग खुद खड़े हो जाएं सरकार के खिलाफ। सही करो भाई। और ये अन्याय, ये कहीं न कहीं सरकार के दबाव में ये अपराध हो रहा है, ये अन्याय नहीं बचा, अपराध हो रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेताओं की कोशिश है कि इससे राजनीतिक लाभ लिया जाए। राजनीतिक लाभ लेंगे अगर आप तो घटनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।